आपने सोचा होगा कि एक हफ्ता हो गया हमारी एग्जाम होके, अभी तक मैंने कुछ भी नए अपडेट्स नहीं दिए हैं, ना मेरा एक भी वीडियो आया है। तो आप शायद बेसब्री से इंतजार करते होंगे कि कुछ नया कुछ आ रहा है। तो मैंने ऐसे सोचा है कि जो भी लोग मुझे कुछ ना कुछ सवाल पूछते हैं, तो उन सवालों का जवाब हर एक आदमी को अपने अपने उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे देने के बदले, यदि वो सवाल मुझे ठीक लगे तो मैं यूट्यूब के माध्यम से लूंगा, ताकि उस सवाल का सभी दुनिया को फायदा हो जाए। वो एक आदमी के बजाय आपके मन में भी, बाकी लोगों के मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल रहेंगे, तो आपको उसका फायदा हो जाए। इसके लिए मैं ये आज से चालू करना हूँ, और इसका मैंने नाम सोचा है एक्यू टिप्स। एक्यू टिप्स यानी एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या एक्यू साइंस, मेरा जो शास्त्र है उसके बारे में, जो मेरी ये हिसाब से मेरी सोच की जो टिप्स है वो इसमें से मैं देने वाला हूँ। आप मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग पूछते हैं सर ये कैल्केनियल्स पर है, उसके लिए कौन से पॉइंट चूज करूं, उसके लिए मैं सवाल के जवाब नहीं देने वाले। पॉइंट चूज करने वाला या ये पॉइंट कौन सा है, इसका प्रोटोकॉल कैसा है, इसका सवाल का जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ। मगर जो सवाल के जवाब में कुछ आपकी समझ बढ़ेगी, आपको मैं नई समझ दे दूँ, एक नई सोचने की दिशा दे दूँ, ऐसे ही सवालों के मैं जवाब दे दूंगा। हाँ, तो आज से ये चालू हो गया। जो जिसको चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे या किसी प्रकार से मुझे, मेरे पास सवाल भेज सकते हैं, मैं ठीक लगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। आज का जो मेरा मेरे पास सवाल आया था, मेरे एक स्टूडेंट का, जिसने पहले अंदाजे 6 7 साल पहले मेरे से 3D एक्यू साइंस का कोर्स किया था, वो यही अभी जो मैंने इकोनॉमिक कोर्स लाया है 600 रुपीज का, 11 लेक्चर्स का, वही कोर्स जो उन्होंने 6,000 8,000 में किया था, वही कोर्स उनको अभी 600 में मिल रहा है। और उसके बाद में उनके मन में एक सवाल आया। उनका सवाल ऐसा था कि DU 26 पॉइंट, ये तो आप सब लोगों को पता है, DU 26 पॉइंट नाक और होंठ के बीच में जो पॉइंट है वो DU 26 पॉइंट है, और यही पॉइंट हम लोग कोमा के पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं क्या? DU 26 पॉइंट का यूज, DU 26 पॉइंट का उपयोग हम कोमा कोट के पेशेंट को कर सकते हैं क्या? ऐसा उनका सवाल है। मैं हाँ या ना में जवाब उनको दे सकता था, मगर मैंने सोचा कि थोड़ा मैं भी सोचूं इसके बारे में, और जो मेरे मन में आया वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, ताकि आपको सोचने की एक आदत लग जाए, एक सोचने की दिशा मिल जाए, और आप जो हमारे मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, वैसे आप लोग सब आत्मनिर्भर एक्यूपंक्चरिस्ट बने, जिसको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये सवाल का जब भी जवाब, किसी भी सवाल का जवाब देना है, किसी भी सवाल का हल ढूंढना है ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उस सवाल को हम लोग समझ लें। और ये सवाल क्या है? DU 26 पॉइंट कोमा में यूज कर सकते हैं क्या? जो पॉइंट हम लोग बेहोशी के लिए यूज करते हैं, और सभी लोगों का अनुभव है कि 2 या 3 मिनट में वो पॉइंट को स्टिमुलेशन, यानी DU 26 को स्टिमुलेशन देने से 2 या 3 मिनट में आदमी बेहोशी से होश में आ जाता है। अभी इसलिए हमें पहले, सबसे पहले समझ लेना है ये कोमा और बेहोशी में फर्क है या नहीं है, या दोनों एक ही है। ऐसे बाहर से देखा जाएगा तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में आदमी का होश हवास खो बैठता है, हवास नहीं होश खो बैठता है, उसको आजू बाजू की सुध बुध नहीं रहती है, वो आदमी बेहोश हो जाता है, ये मतलब उसको कुछ समझता नहीं है, वो समझो जिंदा लाश जैसा है, जिंदा है मगर लाश है, उसके पास में कुछ हो नहीं सकता है। दोनों में कंडीशन वही है, मगर जब भी हम लोगों को ये ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है तो हमें समझना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं और कितने हद तक उसके रिजल्ट मिल सकते हैं। हमेशा मेरा अनुभव ऐसा है आज तक का कि जो भी कंडीशंस एक्यूट है, मतलब ताजी है, अभी हो गई, 10 मिनट पहले हो गई, 1 घंटा पहले हो गई, सुबह में हो गई, जो जितनी एक्यूट है ना उतनी जल्दी उसको रिजल्ट मिल सकता है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात उसमें ऐसी है जो मैं उसकी तरफ सोचता हूं कि
हमारे आप लोगों को पता रहेगा जिन्होंने ये एक्यूपंक्चर का स्टडी किया है उनको पता रहेगा कि जिंगवेल जो पॉइंट्स है, यानी जिंगवेल पॉइंट्स कहाँ पे है आप लोग सब लोगों को पता होगा ही, जिंगवेल पॉइंट हाथ और पाव के उंगली के टिप्स में जिंगवेल पॉइंट्स है, मतलब एंड पॉइंट्स है, या स्टार्टिंग बोलो एंड बोलो, नंबर के हिसाब से सब उल्टा सुलटा घोटाला है उसमें, मगर वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स है, और वो एंड पॉइंट्स या स्टार्टिंग पॉइंट्स का यूज एक्यूट इमरजेंसी में करना है, ऐसे ऐसे अनुभव सब लोगों के है। तो जब भी हम लोग ये डीयू मेरिडियन की तरफ जाते हैं तभी हमें क्या दिखेगा कि ये जो पॉइंट है डीयू 26 पॉइंट यहाँ पे है, वो पॉइंट डीयू मेरिडियन पीछे से शुरू होती है कॉक्सिस यानी टेलबोन से शुरू होती है और पीछे की मिडलाइन से आके सर के ऊपर से आके यहाँ डीयू 26 आता है और अंदर मुंह में उतर जाती है, ऐसा मेरा मानना और मेरा कहना है। तो मतलब क्या हो गया, ये एंड पॉइंट आ गया, और कोई भी आप एंड पॉइंट को यूज करते हो तो हर एंड पॉइंट मेरिडियन का एंड पॉइंट, भले वो नंबर से पहला हो या नंबर से लास्ट में हो या एक दो आगे पीछे हो, एंड पॉइंट जो है ना वो एक्यूट चीज के लिए काम में आने वाले। मतलब ये जो बेहोशी है जिसको क्या बोलते हैं ना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, सडनली कोई आदमी गिर गया रास्ते में और ऐसे कुछ हो गया, ये एक्यूट कंडीशन है, मतलब अब भी हो गया, अब भी आपके सामने है, तो ये डीयू 26 पॉइंट काम में आएगा। तो यही कंडीशन हम लोग इस, यानी क्या होगा, ये पॉइंट को स्टिमुलेट, ये जो पॉइंट है डीयू 26 पॉइंट, इसका अंग्रेजी में इसका रूपांतरण है समझने के लिए काफी अच्छा है, पॉइंट ऑफ रीएनिमेशन। जो आदमी का एनिमेशन बंद हो गया यानी हलचल बंद हो गई, वो एनिमेशन शुरुआत करती है, ये 26 पॉइंट है। तो इमरजेंसी में एक्यूट कंडीशन में डीयू 26 काम करेगा। अभी कोमा की कंडीशन जो है वो यही दिखने में सब कंडीशन है, मगर कोमा की कंडीशन है क्रॉनिक कंडीशन है, कोमा की कंडीशन क्रॉनिक है, जिसमें आदमी बेहोश है और कुछ दिन कुछ महीनों से बेहोश आदमी है, जिसको कुछ सुध-बुध नहीं है, तो मतलब ये क्रॉनिक कंडीशन हो गई। और क्रॉनिक कंडीशन के लिए ऐसे नहीं कि ये यूज नहीं होगा, मगर जितने जल्दी ये बेहोशी के लिए, अनकॉन्शियसनेस के लिए जितना जल्दी ये ड्यू 26 पॉइंट काम करता है, उतना जल्दी कोमा के लिए नहीं काम करेगा, क्योंकि जितनी कंडीशन क्रॉनिक है, जितनी कंडीशन पुरानी है, उतने उसके हिसाब से उसको टाइम लगने वाला है। तो ये बेहोशी टेम्पररी होए, अभी आ गई तो आप डीयू 26 खिला सकते हैं, मगर डीयू 26 यूज करके आप कोमा के पेशेंट के साथ में वही मिराकल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद आपके हाथ से हो भी जाए कोई, ऐसे नहीं मैं बोलता हूं कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हो भी जाए, मगर नहीं होने की संभावना ज्यादा है। अभी ये संभावना ज्यादा है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, कोमा का पेशेंट मतलब क्या, कोमा मतलब ये ब्रेन है मगर काम नहीं कर रहा है, बाकी शरीर की सिस्टम सब काम कर रही, वो अपने अपने तरीके से काम कर रही है, मगर ये कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो ब्रेन की तरफ से होता है, वो काम ब्रेन से नहीं हो रहा है। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स को सलाह दी थी, उनके रिलेशन में कोई कोमा में है उनके लिए, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, वो पॉइंट मैं आज आपको अभी दिखाता हूं और मैं उसको शेयर कर। तो ये इमेज है वही काम की जो आपको मदद करेगी कोमा के पेशेंट के लिए। आप यहाँ दिख रहा है, यहाँ H7 लिखा है, P7 और LV9, ये तीनों पॉइंट्स है, इसमें से ये P7 और H7 दोनों पॉइंट्स है, वो फायर एलिमेंट के पॉइंट्स है, फायर एलिमेंट की दो मेरिडियन, एक अपनी हार्ट मेरिडियन और दूसरी पेरिकार्डियम मेरिडियन, और तीसरा LU9 पॉइंट है, वो लंग मेरिडियन का पॉइंट है। तीनों पॉइंट जो है ना, ये तीनों पॉइंट युआन सोस पॉइंट है, तीनों पॉइंट युआन सोस पॉइंट है। हार्ट और पेरिकार्डियम मेरिडियन जो है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्रेन थ्रू फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट का संबंध ब्रेन के साथ है, और लंग मेरिडियन का जो युआन सोस पॉइंट है वो LU9 पॉइंट है, मतलब लंग मेरिडियन। और लंग का काम क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन लाना और ब्लड को ऑक्सीजन देना,
अभी ब्रेन काम ठीक से नहीं कर रहा है, मतलब ये हो सकता है कि ब्रेन की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। और मैं उन लोगों को बोला था, मेरे स्टूडेंट्स को, कि ये तीन पॉइंट्स है ना, ये तीन पॉइंट्स को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से स्टिम्युलेट करो। चाहे आप चाहिए तो उसको हाथ से दबा के करो, चाहिए तो वहां पे मूंग लगाओ, चाहिए तो वहां पे आप और किसी तरीके से करो, मगर इसको स्टिम्युलेट करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। और लोगों को बहुत बहुत जल्दी रिजल्ट मिले हैं। तो जिसको भी कोमा के पेशेंट्स को रिवाइव करना है, उनके लिए H7P7LU9 पॉइंट इसके लिए बहुत बहुत काम के पॉइंट्स है। तो एक बात ध्यान में रखना, जब ये एक्यूट कंडीशंस है, एक्यूट इमरजेंसीज है, एक्यूट कंडीशंस है, तो हमें जिंगवेल पॉइंट या एंड पॉइंट्स यूज करने हैं। और जहां क्रॉनिक कंडीशंस है, मतलब पुरानी कंडीशंस है, तभी हमें मोस्टली युआन सोर्स पॉइंट्स यूज करने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो मुझे समझाना था वो मैंने इसमें आपको समझा दिया है। हरिओम हरिओम हरिओम।